आप लोगों को एक ऐसे प्लांट से मिलाते हैं जिसे कि साल भर बारिश का इंतज़ार होता है। इस प्लांट्स को फ्लावर खिलाने के लिए बारिश का इंतज़ार होता है। इस प्लांट्स में फ्लावर्स तभी खिलते हैं जब इसमें बारिश की बूंदें आकर पड़ती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो हम बात कर रहे हैं इस प्लांट्स के बारे में, इसका नाम है रेन लिली। तो नाम से ही इसमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो इस प्लांट्स में फ्लावरिंग रेनी सीजन में होती है और ये प्लांट्स जो है कि पूरे साल बारिश का इंतज़ार करती है और जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें गिरनी स्टार्ट हो जाती है तब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये देख रहे होंगे, ये हैं मेरे रेन लिली के फ्लावर्स। रेन लिली 3 कलर में पाया जाता है, वाइट, पिंक और येलो कलर में। तो येलो कलर तो आपके सामने है और कितना सुंदर और कितना प्यारा ये येलो कलर है। अगर आप एक बल्ब भी कहीं से ले आते हैं या सीड से ले आते हैं तो फिर एक से बहुत सारे प्लांट्स आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इसके बल्ब जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। लिली प्लांट्स में कई दिनों से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये देख रहे होंगे कि इसमें सीड पॉट भी बन चुके हैं। तो सबसे पहला फ्लावर इसी में निकला था और मेरे यहाँ बारिश लगभग इधर एक सप्ताह से हुई होगी या 10 दिन हुए होंगे। तो बारिश के कुछ दिन बाद से ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो पहले एक खिले थे, फिर इस तरह से कई फ्लावर्स खिले। ये देखिए, ये अब खिलकर ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरह से फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है, बारिश के पानी से ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। और ये देख रहे होंगे और भी स्टॉक निकले हुए हैं। तो इस तरह से स्टॉक निकलते हैं और निकलते हैं, छोटा दिखेंगे, कल होकर आपको इतना बड़ा दिखेंगे और फिर परसों होकर फ्लावर खिल जाएंगे। और मेरे इसमें भी लगे हुए थे, इस पॉट में भी लगे हुए हैं। तो इसमें भी देख रहे होंगे कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है। कुछ बल्ब्स इसमें भी लगे हुए हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कुछ बल्ब्स इसमें भी लगे हुए हैं और इसमें भी देखिए ये बड्स बने हुए हैं। तो ये कल खिल जाएंगे। तो इस तरह से इसमें स्टॉक निकलते हैं और फ्लावरिंग हो जाती है। तो ये जो देख रहे होंगे इस तरह से, ये जो मोटे मोटे हैं ये देखिए, ये तो ये स्टॉक हैं। इसी तरह से यहाँ से नीचे से ही निकलते हैं, बल्ब से ही निकलते हैं और इस तरह से निकलते हैं और इसमें फ्लावरिंग होती है। फिर जैसे ही फ्लावर ख़त्म होते हैं यहाँ पे ये सीड पॉट्स बनने लग जाते हैं। तो ये फ्लावर्स जो है, ये देखिए इसका, ये आज ये दूसरा दिन हो गया है। तो इस तरह से हैं और ये कल खिला था, तो ये दूसरा दिन, शायद इसका तीसरा दिन होगा। तो ये देखिए अभी तक ये खिला हुआ है। तो रेन लिली को हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और बल्ब से भी ग्रो कर सकते हैं। ये जो येलो कलर का है ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन शायद ये वाइट और पिंक जो है वो सीड से ग्रो नहीं होते हैं। इसमें सीड पॉट बनते हैं और मैं तो वाइट और पिंक अभी ग्रो नहीं की हूँ, लेकिन सुनते हैं कि वो सीड से ग्रो नहीं होते हैं, शायद उसमें सीड पॉट्स नहीं बनते हैं। इस पॉट में जो रेन लिली के आप प्लांट्स देख रहे हैं ये सीड से ही ग्रो हुआ और खुद से ग्रो हुआ। होता क्या है कि जो इसके सीड्स पॉट होते हैं ये तैयार होकर जब फट जाते हैं तो कोई भी प्लांटर्स में चिटक कर गिर जाते हैं, तो फिर उसमें फिर से वो खुद से निकल जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पे फिर नीचे में उसमें बल्ब भी बन जाते हैं। रेन लिली को आप वेल्ड्रेन सॉइल में लगाएं, क्योंकि इसमें पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। अगर पानी होल्ड होंगे तो जो बल्ब्स हैं वो सड़ जाएंगे, ज़्यादा पानी अगर इसमें खड़ा रह गया तो। तो इसको आप वेल्ड्रेन सॉइल में लगाएं। जब आप लगाते हैं तो इसको आप नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, मतलब कि आप 30 से 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें और उसमें 30% सैंड मिला लें और 30% कंपोस्ट मिला लें। तो 40-30-30 का रेशियो में आप इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो रेन लिली के प्लांट्स को हर साल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर हर साल नहीं करते हैं तो 2 साल पे करना ज़रूरी होता है। तो पिछले साल से ही लगा हुआ है, मैं इस बार रिपोर्टिंग नहीं की हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मेरे पॉट्स में पानी भर गया है। तो जब भी बारिश होती है तो आप एक बार ज़रूर अपने पॉट्स सबको चेक कर लें कि उसमें पानी खड़ा तो नहीं रह जा रहा है। अगर इस तरह से पानी खड़ा रह जाएगा तो फिर सारे के सारे बल्ब्स जो हैं वो सड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। तो जिस प्लांटर्स में पानी जमा हो जा रहा है, इवन सभी प्लांटर्स में, सभी तरह के प्लांटर्स को बारिश के दिनों में चेक करना होता है। तो इस तरह से गमले को लिटा दें और फिर चेक कर लें और एक एसटी की सहायता से सारे होल्स को
खोल दें, क्योंकि एक ही प्लांटर्स में प्लांट्स लगे रहने से होल्स से जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस तरह से खोलना ही पड़ता है। तो इस तरह से सारे के सारे प्लांटर्स के होल्स को आप खोल दें, नहीं तो फिर जो बल्ब्स हैं वो सड़ जाएंगे। तो इस तरह से रेड लिली के प्लांट्स को बारिश के दिनों में केयर करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी, रेड लिली कभी ख़राब नहीं होंगे। अब बात करते हैं इसको कैसी जगह पे रखनी चाहिए, इसे धूप पसंद है या नहीं। तो इसको हमें फुल सनलाइट में रखना चाहिए, इसको खुले जगह में रखना चाहिए। तो बहुत अधिक जब गर्मी रहती है, जैसे कि जून का मंथ होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसके लीव्स वगैरह थोड़े से इस तरह से जलने लग जाते हैं। तो फिर ये लीव्स ऐसे ठीक हो जाते हैं, उसको फिर सीजन आने से पहले ट्रिम कर दिया जाता है। तो जब बहुत अधिक गर्मी होती है उसमें आप ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ की वो दोपहर की धूप जो है उससे आप बचा सके प्लांट को। और अगर फुल सनलाइट में भी पड़ा हुआ है तो फिर प्लांट ऐसे ख़राब नहीं होंगे, लेकिन इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की सनलाइट चाहिए। 3 से 4 घंटे की सनलाइट ज़रूर इसे दे, और खुले में रखेंगे तभी इसमें बारिश का पानी आएगा, तो फिर अधिक से अधिक इसमें फ्लावरिंग होगी, अधिक से अधिक इसमें स्टॉक निकलेंगे और फ्लावरिंग होगी। तो जितना अच्छा इसको खुले में रखना है, जैसे मेरा भी बालकनी में है, मैं चाहती हूँ कि ऊपर रखूँ लेकिन नीचे ही रह जा रहा, तो ऊपर रखती तो अभी इसमें बहुत सारे स्टॉक और निकल के आ गए होते। तो इस तरह से आप रेन लिली की केयर कर सकते हैं। रेन लिली की केयर करना बहुत ही आसान है और बहुत ही ये सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है कि बारिश होते ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब मैं अपने चैनल के जो भी मेम्बर्स हैं